cotton mills come up. So in the last video, we discussed that how the business of weavers was affecting how the demand for Indian cotton textile decreased because of the arrival of a textile produced in Britain that came in India. So we discussed that how the life of weavers, spinners and everyone who was associated with this weaving got affected. We also studied the story of a widow in Bengal who shared her experience because of the arrival of British textile, how her life got affected and how she got into the trouble. There was no food, there was no money for her to live her life. So she asked a publisher to publish her article in his newspaper. So we also studied her experience. And then in the end of the last section here, we studied that what happened to the weavers who affected, what they did after their weaving stopped. So we studied that some of the weavers became laborers, agricultural laborers, that they started working on someone else's field as laborers. Some of the weavers went into other countries for plantation, they became plantation workers. Some of the weavers went to the cities for in search of work, and some of the weavers also got work in newly opened cotton mills. So now in this video, we are going to talk about those cotton mills, how they came up in India, right? First cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854. So I told you that in the last video that the first spinning mill, the first cotton mill that came in India was in Bombay. तो सबसे पहले जो मिल आई थी वो बॉम्बे में आई थी, वो भी आई थी 1854 में, और ये एक स्पिनिंग मिल थी। मतलब कि यहाँ पे इस मिल में क्या होता था, यहाँ पे कपड़ा नहीं बनाया जाता था बल्कि यहाँ पे सूत काटा जाता था, ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। तो 19th सेंचुरी के शुरुआत से क्या हुआ, जो बॉम्बे है वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट की तरह निकल कर आया। पोर्ट क्या होता है, एक ऐसा जैसे आपके लिए रेलवे स्टेशन होता है ना, जहां पे गाड़ियां आके रुकती हैं, तो पोर्ट क्या होता है, एक ऐसा ही स्टेशन टाइप होता है जहां पे समुद्र में से शिप जो है वो आके रुकती है, ठीक है। तो हमें पता है बॉम्बे जो है वो एक कोस्टल एरिया है, मतलब कि वहां पे समुद्र है। तो बॉम्बे से क्या हुआ, मतलब कि इंडिया से इंग्लैंड एंड चाइना में जो एक्सपोर्ट है वो होने लगा रॉ कॉटन का। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉ कॉटन, मतलब कि जो कपास होता है ना, जो पेड़ से निकालते हैं कॉटन को, रुई, तो उसको यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था बॉम्बे के पोर्ट से, कहां पे, इंग्लैंड एंड चाइना में। इट वाज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। सो यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर ज्योग्राफी दैट द ब्लैक कॉटन, जो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल इज वेरी वेरी सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। तो क्योंकि जो बॉम्बे वगैरह है, जो महाराष्ट्र है, वहां पे ब्लैक सॉइल काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, सो पीपल ग्रो कॉटन देयर। और वहां से जो कॉटन की एक्सेसिबिलिटी भी है कि मतलब कि कॉटन को वहां से लोग ले सकते हैं, मतलब उगा सकते हैं, और उसे पोर्ट के मदद से दूसरे देशों में भेज सकते हैं। तो इसीलिए जो बॉम्बे है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी है, वहां पे पोर्ट्स भी हैं, और वहां पे रॉ जो मटेरियल है जहां पे उगती है वो उस एरिया के भी पास है। व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स केम अप they could get supplies of raw material with ease। और जब बॉम्बे में कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो आई, क्योंकि बॉम्बे एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कॉटन जो है वो आसानी से मिलती है, वहां पे तो उगती है, तो इसीलिए ऐसी जगह थी बॉम्बे जहां पे कि उन्हें रॉ मटेरियल, उनके स्पिनिंग के लिए, उनके वीविंग के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से मिल पा रहा था। तो देखो, कोई भी चीज है वो वहीं पे लगाई जाती है जहां पे हर चीज आसानी से मिल जाए। अगर आपको मान लो कॉटन उगाई जा रही है किसी वेस्टर्न इलाके में, और आप इंडस्ट्री जो मिल है उसे लगा दो ईस्टर्न इलाके में, किसी असम वाले इलाके में, तो वो मुश्किल हो जाएगा, है ना, कि आप किस तरीके से जो कॉटन है उसे महाराष्ट्र से असम में भेजोगे, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी ना उसकी। तो इसीलिए हमेशा एक सूटेबल प्लेस देखा जाता है। तो ये भी आपने अपनी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रीज के लिए कैसे एक सूटेबल एरिया जो है वो सेटअप किया जाता है, लोकेशन जो है वो देखी जाती है और वहां पे इंडस्ट्री सेट की जाती है। तो आप इसलिए इसको समझो कि क्यों बॉम्बे में ही सबसे पहले मिल आई, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण थे। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन इजिली एक्सेसिबल था, वहां पे रॉ मटेरियल इजिली एक्सेसिबल था, और वर्कर्स जो लेबरर्स होते हैं वो भी एक्सेसिबल थे। सो बाय 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। सो 1900 तक, मतलब कि 20th सेंचुरी के आने तक,
बॉम्बे में लगभग 84 मिल्स जो हैं वो शुरू हो चुकी थी. मैनी ऑफ दीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन हु हैड मेड देयर मनी थ्रू ट्रेड विद चाइना. और इनमें से बहुत सारी ऐसी मिलें थीं जो कि पारसी और गुजराती बिजनेसमैन व्यापारियों के द्वारा शुरू की गई थी. और कैसे शुरू करी थी उन्होंने ना, बहुत सारा पैसा कमाया था चाइना के साथ ट्रेड करके. चाइना को और इनको वो कॉटन भेजते थे ना, हमने यहाँ पढ़ा कि इंग्लैंड एंड चाइना में रॉ कॉटन भेजी जाती थी. तो जो बिजनेसमैन है वो इस तरीके से ट्रेड वगैरह करके चाइना के साथ उन्होंने ट्रेड की और वो काफी पैसा कमाया और उस पैसे से उन्होंने ये मिल्स जो है वो एस्टैब्लिश की. मिल्स केम अप इन दी अदर सिटीज टू. अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे में ही मिल्स आ रही थी, दूसरी जो सिटीज थी वहां पे भी मिल्स आनी शुरू हो गई. द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861. तो पहली जो मिल थी अहमदाबाद में शुरू हुई थी वो 1861 में हुई थी. अ ईयर लेटर अ मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर. और इसके एक साल बाद ही 1862 में एक मिल जो है वो कानपुर में एस्टैब्लिश की गई, द यूनाइटेड प्रोविंसेस. तो आज का जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, उसको पहले टाइम में यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था. ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये क्या कौन से देश का नाम लिख दिया, ये आपका उत्तर प्रदेश ही है. ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू अ डिमांड फॉर लेबर. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे कॉटन मिल्स बढ़ने लगी तो कॉटन मिल्स में काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना. कॉटन मिल्स अपने आप तो ऑपरेट नहीं करेंगी. ठीक है, आपने मशीनें तो ला दी, बट यू नीड समवन टू ऑपरेट दोज मशीन्स, राइट. तो जैसे जैसे कॉटन मिल्स बढ़ने लग गई वैसे वैसे उन मिलों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी डिमांड्स भी बढ़ने लग गई. वहां पे अब जो मिल्स को सेटअप कर रहे थे उन लोगों को लेबर्स की जरूरत पड़ने लगी. थाउजेंड्स ऑफ पुअर पेजेंट्स आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स मूव टू द सिटीज टू वर्क इन मिल्स. तो बहुत सारे ऐसे जो गरीब पेजेंट्स थे, मतलब कि ऐसे किसान थे जो थोड़े गरीब थे, जिनके पास अपनी जमीन वगैरह नहीं थी, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह काम करते थे, ऐसे लोग आर्टिशंस कौन होते हैं, जो हाथ से कुछ बनाते हैं, जिनमें कुछ स्किल होती है किसी चीज को करने की. ठीक है, तो आर्टिशंस हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए. तो ये सभी लोग जो हैं अब वो धीरे धीरे करके सिटीज की तरफ मूव करने लग गए ताकि वो मिलों में काम कर सके. इन द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स. और जब इंडिया में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, मतलब ये जो मिल्स हैं वो आने लग गई, तो उसके शुरुआती कुछ दशकों में, दशक मतलब 10 साल, ठीक है, डेकेड्स मतलब एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो शुरुआती के कुछ जो दशक थे उनमें इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को काफी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. तो जिस तरीके की कंडीशन हमारे वीवर्स को देखने मिल रही थी कि उनके बुने हुए कपड़े जो हैं वो थोड़े महंगे बिकते थे, और जो ब्रिटेन वाले कपड़े हैं, जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में अब कपड़े बना बना के ला रहे थे, वो कपड़े सस्ते होते थे. तो कुछ उसी तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी मिल्स भी फेस कर रही थी कि हमारे मिल्स में जो कपड़े बन रहे थे वो अब भी थोड़े महंगे बन रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स अपने कपड़े बना रहे थे वो कंपैरेटिवली सस्ते थे. तो लोग जो है वो सस्ता ही प्रेफर करेंगे, कुछ भी हो, लोग तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई ये हमारे देश में नहीं है. मतलब आजकल फिर भी लोग थोड़ा सा मेड इन इंडिया पे फोकस करने लगे हैं, बट एट दैट टाइम इट वॉज नॉट द केस. पीपल यूज टू बाय द थिंग्स विच दे फाइंड रिलेटिवली चीप. तो जो भी उन्हें सस्ता लगेगा वो खरीदते थे. तो ब्रिटेन वाले जो कपड़े हैं वो सस्ते होते थे और ज्यादा से ज्यादा लोग फिर उसे ही खरीदते थे. तो हमारे मिल्स में बनने वाले कपड़े जो हैं वो थोड़े महंगे होते थे. तो ये दिक्कत हुई, कंपटीशन बढ़ा, और इस कंपटीशन को जो है हमारी मिल्स इतना ज्यादा फेस नहीं कर पा रही थी, थोड़ी पीछे रह रही थी. इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स. और हुआ क्या, काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां पे उनकी जो गवर्नमेंट्स है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट कर रही थी, मतलब अपने वहां की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही थी ताकि वहां की इंडस्ट्रीज बढ़े, फले फूले. और वो ऐसा कैसे कर रही थी, वो इम्पोर्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगा रही थी. देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इम्पोर्ट पे टैक्सेस लगाने से क्या होगा, हैवी ड्यूटीज मतलब कि टैक्सेस लगा देना इम्पोर्ट पे. ये एक देश है, इसका नाम है ए, ठीक है, और एक ये दूसरा देश है, ये है बी. तो ए देश में क्या हो रहा है, काफी सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज है वो चलनी शुरू हो रही हैं. और बी में क्या हो रहा है, बी में जो है अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ है, बट इंडिया की तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वीवर्स वगैरह हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और वो अपने सामान को इन देशों में भेजते हैं. अब होता क्या है, जब ए देश में बी का सामान जाता है तो वहां के लोगों को इनका क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, लगता है कि भाई ये तो कपड़ा बहुत अच्छा है, हमें खरीदना चाहिए. तो बी के जो कपड़े हैं मान लो वो क्वालिटी के वजह से काफी लोग पसंद कर रहे हैं और बी के कपड़े लोग खरीदे जा रहे हैं. तो ए की जो खुद की इंडस्ट्रीज जो कपड़ा बना रही है ना, वो लोग खरीद नहीं रहे. तो इनके गवर्नमेंट क्या करती है, ए देश की गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है कि अगर आपको
ए देश में बाहर से किसी देश से दूसरे देश से कोई कपड़ा लाना है तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, कपड़ा महंगा हो जाएगा। मान लो पहले जो है ये जो एक्चुअल में कपड़ा आता है वो आता है मान लो 100 रुपए का, ठीक है, ये आता है 100 रुपए का और 100 रुपए पे इन लोगों ने लगा रखा है 10 रुपए टैक्स। तो टोटल जो ए देश बी से खरीदता है वो खरीदता है 110 रुपए पे। बट अब क्योंकि ए देश को थोड़ा नुकसान हो रहा है, उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो फल फूल नहीं पा रही, सारे लोग जो है वो बी देश का कपड़ा खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि अब ए देश की गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे और ज्यादा टैक्स लगा दिया। पहले जो 10 रुपए टैक्स देना पड़ता था अब उसे कह दिया कि अब आपको 50 रुपए टैक्स देना है। तो मतलब टोटल जो प्राइस हो गया अब ए देश में वो हो गया 150 की। अब ए जो है बी से अगर कुछ खरीदेगा तो उसे 150 देने पड़ेंगे, पहले वो 110 देता था, तो रिलेटिवली महंगा हो गया ना। तो मतलब कि अब लोग जो हैं ए देश में बी के कपड़े नहीं खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा कपड़े खरीदेंगे उसके खुद के देश के। तो ये सब जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से जो दूसरे देश थे, जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड थे, उन्होंने उनकी खुद की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हमारे देश से जो उनके देशों में कपड़ा जाता था उसको और ज्यादा महंगा कर दिया, उसमें टैक्सेस लगा दिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे देश के कपड़ों की जो डिमांड है उनके देशों में वो कम हो गई, क्योंकि अब वहां पे वो महंगे मिलने लग गए और उनके जो लोग हैं वो फिर उनकी इंडस्ट्री में जो कपड़े मिल रहे हैं उसी पे फोकस करने लग गए, ठीक है, उसी को खरीदने लग गए। तो हमारे लिए जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ हो रहा था, हमारे जो टेक्सटाइल्स थी उनकी डिमांड कम होती जा रही थी। दिस एलिमिनेटेड द कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज। तो जब कोई इंडस्ट्री पे, मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लगा देती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं और बाहर के किसी कंपटीशन से बच जाती हैं। कि पहले ए देश को बी देश से क्या हो रहा था, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, बट क्योंकि अब इस पे टैक्स लगा दिया तो अब ये बी देश के कपड़े तो कोई ए देश में लाएगा ही नहीं, तो अब ए देश में सिर्फ ए देश के कपड़े ही बिकेंगे, तो कॉम्पिटिशन तो रहा ही नहीं, तो क्या होगा, ए देश की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करेंगी। The colonial government in India usually refused such protection to local industries. But हुआ क्या, दूसरे देश जो हैं उनके government तो उनके industries को protect कर रही थी बड़े अच्छे से, but हमारे देश में जो government थी, जो colonial government थी, वो हमारे weavers को, हमारे जो cotton mills हैं, producers हैं, उनको इस तरह की कोई भी protection देने से मना कर रही थी। The first major spurt in the development of cotton factory production in India therefore was during the First World War when textile import from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. तो क्या हुआ कि देखो, अगर जो colonial government है हमारी industries को कुछ protection provide करा देती तो क्या होता कि हमारे देश में Britain या दूसरे देशों से जो कपड़े आ रहे हैं वो महंगे हो जाते, फिर उन्हें हमारे देश में कोई नहीं खरीदता। हमारे देश के लोग अभी ब्रिटेन के कपड़े को इसीलिए तो खरीद रहे हैं क्योंकि वो सस्ता है। तो अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट कुछ हैवी ड्यूटीज लगा देगी, टैक्सेस लगा देगी, तो वो कपड़ा महंगा हो जाएगा, तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे, फिर लोग जो है हमारे खुद के कपड़े खरीदेंगे। बट प्रॉब्लम तो यही थी ना कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कर रही थी, तो हमारे देश के लोग जो है थोड़ी दिक्कत में थे। बट ऐसा नहीं था कि हमारे देश में जो कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड है वो कभी बढ़ी ही नहीं। सबसे पहली जो डिमांड हमें बढ़ी देखने मिली वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जब हमारे कॉटन मिल्स जो हैं वो एक तरीके से उन्हें डेवलपमेंट देखने मिली। कि क्या हुआ कि अब ब्रिटेन वगैरह जो देश हैं वो लड़ाई में लग गए, उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज लड़ाई में लगा दिए, तो वहां पे जो कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह हैं उन्होंने कपड़े वगैरह बनाने बंद कर दिए, कम कर दिए, और वो दूसरी चीजें जो कि वॉर में काम आएंगी, जो उनके लिए फायदेमंद थी, वो सब वो बनाने लग गए। तो उन्होंने कॉटन की जो टेक्सटाइल्स हैं वो बनानी कम कर दी। अब जब उन्होंने वो कम कर दी तो हमारे देश में जो है कम टेक्सटाइल्स आने लगी, और क्या हुआ कि जो लड़ाइयां हो रही थी, जो ब्रिटेन वगैरह में लोग लड़ रहे थे, मिलिट्रीज थी, उनके ड्रेस की जरूरत थी, उनके यूनिफॉर्म की जरूरत थी, तो उसके लिए क्या हुआ कि उनके जो मिलिट्री सप्लाईज वगैरह हैं उनके लिए जो भी कपड़े हैं उनको प्रोड्यूस करने की डिमांड अब हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज पे आने लगी, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स के पास आने लग गई, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को एक थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने मिला, कुछ थोड़ी सी उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई। तो इस तरीके से जब हमारे इंडिया में भी शुरू शुरू में कॉटन मिल्स आई तो उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बट धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड वॉर वगैरह आई तो उस वजह से हमारे इंडस्ट्रीज ने थोड़ा बूम जो है वो एक्सपीरियंस किया, उनके थोड़ी डिमांड में इंक्रीज हुआ, राइट। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, राइट।